प्लस रहेगा, ठीक है, 48 प्लस रहेगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ईडन साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा महाराष्ट्र का कितना फिजिकल कट ऑफ रहने वाला है इस बार। तो जरूर जो महाराष्ट्र से जुड़े हैं जरूर देखिएगा जो आप लोग का महाराष्ट्र का कितना सेव स्कोर रहने वाला है। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने जा रहा हूं, तो जरूर लास्ट तक बने रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले देख लेते हैं पिछले बार कितना वैकेंसी था और कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे। तो देखिए पिछले बार जो वैकेंसी था तो कितना वैकेंसी था, तो पहले जो नोटिफिकेशन आया था तो 45,000 वैकेंसी था। उसके बाद इंक्रीज किया गया था तो इंक्रीज होकर कितना हुआ था, तो 50,187 वैकेंसी हुआ था पिछले बार। और फॉर्म भरे गए थे 54 लाख और एग्जाम दिए थे कितने बच्चे, तो 65% बच्चे एग्जाम में प्रेजेंट हुए थे, ठीक है, पिछले बार। और पीएटी और पीएचटी के लिए बुलाया गया था 3,70,000 बच्चे को बुलाया गया था पीएटी पीएचटी के लिए। तो कितने बच्चे को पास कराया गया था फिजिकल के लिए, तो फिजिकल में 1,20,000 यानी कि 1,20,000 बच्चे फिजिकल में पास हुए थे। और वैकेंसी कितना था, वैकेंसी 50,000, ठीक है। तो इस बार कितने बच्चे को फिजिकल में बुलाया जाएगा, सभी का यही सवाल है। तो देख लेते हैं पहले जो कितना वैकेंसी है इस बार। तो इस बार जो वैकेंसी है तो 26,146 वैकेंसी है कुल, और फॉर्म भरे गए हैं कितने, 47 लाख फॉर्म भरे गए हैं इस बार। और जो अनुमान किया जा रहा है जो 70% बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं इस बार। तो कितने बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो उसका डाटा अभी तो नहीं आया है, बट जो अनुमान किया जा रहा है 2 लाख बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है इस बार। तो उसके अनुसार आप लोगों का कितने नंबर रहेगा तो फिजिकल में बुलाया जा सकता है महाराष्ट्र से, तो देख लेते हैं। और पिछले बार जो कटअप आया था उसके अनुसार आप लोगों को इस बार आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए पहले देख लेते हैं एससी का। तो एससी का देखिए 78.27 दिन का था मेल का, उन लोगों के लिए बुलाया 69.65 दिन का था, उन लोगों के बुलाया गया था फिजिकल के लिए। और ओबीसी के 79.93 दिन का था, उन लोगों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए। और ईडब्ल्यूएस का 77.27 दिन का था, उन लोगों को बुलाया गया था। और यूआर का 84.53 दिन का था, उन लोगों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए। ये क्या है मेल का। और देख लेते हैं फीमेल का। तो फीमेल के बात करें तो देखिए एससी का 77.02 जिनका था उन लोगों को बुलाया गया था। देखिए 77.2 जिनका था फीमेल का, उन लोगों को बुलाया गया था 2022 में। और एसटी के 68.03 था, उन लोगों को बुलाया गया था। और ओबीसी से 74.47 जिनका था उन लोगों को बुलाया गया था। और ईडब्ल्यू एस से 72.20 जिनका था उन लोगों को बुलाया गया था। यूआर का 82.15 जिनका था उन लोगों को बुलाया गया था फीमेल का 2022 में। तो सभी का यही सवाल है जो इस बार कितना रहेगा तो बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो इस बार देखिए जो मैं आप लोगों के लिए दिखाने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो जरूर ये नंबर आप लोगों का रहेगा, तो जरूर आप लोगों को बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं मेल का है ना वैकेंसी पहले देख लेते हैं। तो देखिए पिछले बार कितना वैकेंसी था, पिछले बार काफी वैकेंसी ही था, 1,847 प्लस वैकेंसी था पिछले बार। ये क्या है सिर्फ यहाँ पर मेल का था, और फीमेल का था 210 वैकेंसी था पिछले बार। और इस बार जो वैकेंसी है 977 है, ठीक है। तो और आधा वैकेंसी है इस बार, तो कटअप भी हाई जाएगा। और यहाँ पर 210 था,
इस बार फीमेल का जो वैकेंसी है 144 वैकेंसी है इस बार। तो वैकेंसी के अनुसार और कितने बच्चे एग्जाम में बैठे उसके अनुसार काटअप दिया जाता है। पर देखते हैं जो इस बार आप लोग का कितना नंबर रहेगा, तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो एससी है और फीमेल है तो उन लोगों का 83+, ठीक है, 83+ जिनका रहेगा उन लोगों के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा जनरल डिस्ट्रिक्ट से। और फीमेल है तो उन लोगों का 82+, ठीक है, 82+ जिनका रहेगा उन लोगों के लिए सेव स्कोर है फिजिकल के लिए। और एसटी के मेल है तो उन लोगों के 72+ रहेगा तो उन लोगों के लिए सेव फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और वहां पर आप लड़की हैं तो 70+ जिनका रहेगा उन लोगों के लिए सेव स्कोर रहने वाला फिजिकल के लिए। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के देखिए पिछले बार तो 80 गया था, इस बार जिनका 85+ रहेगा उन लोगों के लिए सेव स्कोर रहने वाला है फिजिकल के लिए मेल का। और फीमेल है तो 83+ रहेगा उन लोगों के लिए सेव स्कोर रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 83+ रहेगा उन लोगों के लिए सेव स्कोर रहने वाला है मेल का। और फीमेल का 70+ रहेगा तो उन लोगों के सेव स्कोर रहने वाला है इस बार 70+। और ईवार के बात कर तो ईवार का देखिए 90+ जिनका रहेगा उन लोगों के सेव स्कोर रहने वाला है इस बार फिजिकल के लिए। और वहां पर आप लोग फीमेल है तो फीमेल के 86+ रहेगा तो उन लोगों के लिए सेव स्कोर रहने वाला है इस बार। नक्सलरिया का कितना सेव स्कोर रहने वाला है फिजिकल के लिए, तो देखिए नक्सलरिया का पहले देखते हैं मेल का। तो पिछले बार कितना था तो एससी का था 59.84 और एसटी का था 63.21 था और 21 था, और ओबीसी का 63.84 था, और ईडब्ल्यूएस का 40.17 था, और यूआर का 67.56 था, और कुल वैकेंसी कितना था 150 वैकेंसी था कुल। और देखते हैं फीमेल का कितना कटअप आया था पिछले बार, तो कितने नंबर था तो बुलाया गया था 66.60 जिनका था उन लोगों को बुलाया गया था, एसटी का कोई वैकेंसी नहीं है। और ओबीसी के जिनका 68.42 था उन लोगों के लिए बुलाया गया था, और ईडब्ल्यूएस का कोई सीट नहीं था। और यूआर के बात कर तो 71.07 दिन का था उन लोगों के लिए फीमेल को बुलाया गया था। और इस वैकेंसी कितना था तो 17 वैकेंसी था पिछले बार। और इस बार कितना कटअप रहने वाला है, कितना नंबर रहेगा तो बुलाया जाएगा, तो देखते हैं नक्सल एरिया का देख लेते हैं। तो देखिए पहले देखते हैं मेल का, तो 65+, ठीक है, 65+ जिनका रहेगा उन लोगों के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फीमेल है तो उन लोगों के 70+ रहेगा उन लोगों के लिए सेव स्कोर रहने वाला है। और एसटी है मेल है तो एसटी के 68+ रहेगा उन लोगों के सेव स्कोर रहने वाला है फिजिकल के लिए, और एनसी नहीं है एसटी का। और ओबीसी के देख लेते हैं तो 68+ जिनका रहेगा, ठीक है, 68+ जिनका रहेगा ओबीसी से उन लोगों के लिए सेव स्कोर रहेगा। यहाँ पर आप लोग लड़की हैं तो 73+ जिनका रहेगा उन लोगों के सेव स्कोर रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस के बात करें तो ईडब्ल्यूएस का देखिए पिछले बार सबसे कम कटअप आया था 40, इस बार जिनका 48+ रहेगा, ठीक है, 48+ रहेगा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का कोई वैकेंसी नहीं है इस बार भी। और यूआर के बात करें तो यूआर का जो इस बार आप लोगों का 72+ जिनका रहेगा उन लोगों के लिए फिजिकल के लिए सेव स्कोर रहने वाला है। और उन्हें पर आप लोग लड़की हैं तो लड़की के लिए यहाँ पर 76+ जिनका रहेगा उन लोगों के लिए सेव स्कोर रहने वाला है इस बार। और इस बार वैकेंसी कितना है नक्सल एरिया का,
तो नक्सलरिया का इस बार वैकेंसी है 80 वैकेंसी है फीमेल का। तो इस बार कितना वैकेंसी है, तो नक्सलरिया से मेल का वैकेंसी है इस बार 80 सीट है और फीमेल का यहाँ पर 9 सीट है। तो ज्यादा सीट नहीं है इस बार, इसीलिए इस बार कट ऑफ भी हाई जाने वाला है और बच्चे अच्छे एग्जाम दिए हैं। तो आप लोगों को मैं दिखा दिया हूं जो जनरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नेक्सल एरिया का कितना आप लोगों का फिजिकल में बुलाया जाएगा, कि कितना नंबर आएगा तो फिजिकल में बुलाया जाएगा, आप लोगों को दिखा दिया हूं। तो पीएटी पीएसटी के लिए एक्सपेक्टेड कटअप आप लोगों को मैं दिखा दिया हूँ। और इस चैनल पर जो भाई लोग जुड़े हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।